हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जहाँ से इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक 1, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, बराबर बराबर इक्वली किया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 8%, 6%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्रॉइंग इस क्या होगा, आय इनकम। जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि पर किया जाता है, तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है 5.5 महीने के लिए, फॉर 5.5 मंथ्स के लिए। निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते सिवाय तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं गुडविल, ख्याति। ख्याति क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स यानी कि अमूर्त संपत्ति। पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000, 13,000, 8,000 थी। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा 18,000। ये कैलकुलेट करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहते हैं उसको। विगत 3 वर्षों का औसत लाभ 42,000, 39,000 तथा 45,000 है। औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा 84,000, 84,000। ए और बी साझेदार है, सी को 1/5 के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, तो फर्म का शुद्ध मूल्य क्या होगा, 6 लाख होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्व का लेखा किया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, असेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट ऑन रिवॉल्व अकाउंट यानी कि पुनः मूल्यांकन मूल्य पर। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दिया जाता है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ए बी और सी साझेदार है, जो लाभ एवं हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात कितना होगा, 4:3:2:1। उसके बाद एक्स वाई जेड साझेदार है, लाभ विभाजन का अनुपात 3:5:1, वाई अवकाश चाहता है उसका हिस्सा जेड ने लिया। एक्स और जेड का नया अनुपात कैलकुलेट करने के बाद कितना आया, 1:2। उसके बाद देखते हैं ए बी और सी 1:2:1:3:1:6 के अनुपात में लाभ बांटते। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्व के पुनः मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाना चाहिए। बचे हुए साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किया जाता है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर्स। अवकाश ग्रहण करते समय पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को बांटा जाता है साझेदारों के बीच में, सभी साझेदारों को बांटा जाता है। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते पर जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ, हर शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद अगला, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, आर क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अनुसरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ क्या है, पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। कंपनी के दायित्वों में
जोड़े जाने वाले पूंजी को क्या कहते हैं? चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। कैपिटल इंक्लूड इन द लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल्स। इनमें से कंपनी के पूंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल इसका करेक्ट आंसर होगा। अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत जारी किया जाता है? विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर? प्रॉस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण पत्र। अंश आवंटन खाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इस क्या होता है? पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहते हैं अंश आवंटन खाता को। लाभांश सामान्यता दिया जाता है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती फोरफीचर्स ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्या चीज होगा? चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल्स। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू इक्वलिटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर यानी कि इक्वलिटी शेयर्स भी होगा और प्रेफरेंस शेयर्स भी होगा। टेबल ऐप के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर कितनी होती है? 12% पर एनम यानी कि 12% वार्षिक होता है आपका। अंश आवेदन खाता क्या होता है? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट इस पर्सनल अकाउंट होता है ये भी व्यक्तिगत खाता। 34वां प्रश्न द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल अप कैपिटल इज कॉल्ड उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल यानी कि अयाचित पूंजी कहते हैं। समता अंशधारी होते हैं क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। इक्वलिटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स। अंशधारी प्राप्त करते हैं शेयर होल्डर उसको क्या प्राप्त होता है? डिविडेंड्स यानी कि लाभांश। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ फोरफीच शेयर इज डेबिटेड टू तो शेयर फोरफीचर्स अकाउंट अंश अपहरण खाते में। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है शेयर में भी इशू ए एंड बी दोनों ए एंड बी एट पर वैल्यू एट प्रीमियम तो इसका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। शेयर में भी इशू बोथ ए एंड बी यानी कि आपका वैल्यू एंड प्रीमियम। अंशों के अधिगमन मूल्य को आर्थिक चिट्ठे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इन शू ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट यानी कि इसमें आ जाएगा लाइबिलिटीज दायित्व के पक्ष पर दिखाया जाता है। दायित्वों की कुल राशि की संपत्ति होता है टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज साइड इंक्लूड चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया। थैंक यू।